हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में ऑटोकैड की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में डिस्कस करूंगा। ये कमांड्स हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे कि पहला कमांड है पर्ज और दूसरा कमांड है ओवरकिल। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरीके से पर्ज यूज करते हैं और किस तरीके से ओवरकिल, और साथ ही साथ इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं इनके बीच में डिफरेंस को लेकर। तो आज हम पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर हमने यहां पे कोई लाइन लिया इस तरीके से, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका लाइन टाइप बदलना है। तो मैं यहाँ गया और मैंने ढेर सारे लाइन टाइप डाउनलोड कर लिए, यहाँ से मैंने लोड कर लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, और भी ले सकते हो। ओके, रीलोड कर दिया हमने इतने ढेर सारे लाइन टाइप्स। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको सबको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके हमने लाइन टाइप बदल दिया। तो देखिए बदल गया, एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं अगर इस मॉडल को सेव करता हूं, अगर इस मॉडल को मैं सेव करूंगा तो लाइन टाइप तो ये सेव हो जाएगा ये, बट उसके साथ ही साथ देखो यहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा लाइन टाइप से बदल गई। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है ना, कि हमारे किसी यूज में है क्या? नहीं। तो क्या होगा, आपकी फाइल का साइज बढ़ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा 10 MB, 5 MB, 2 MB, 1 MB की फाइल बन जाती है। उससे क्या होता है, जब उसको ओपन करके उस पर काम करते हो तो लैपटॉप आपका हैंग करने लगता है, राइट, या आपका ऑटोकैड स्लो चलने लगता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, बेहतरीन तरीका ये है कि आप काम करने के बाद पर्च कर दीजिए, जितनी भी कमांड यूज होती रहेंगी उतनी कमांड को यूज करिए, बाकी सबको एक्स्ट्रा आपको डिलीट कर दीजिए। ये केवल लाइन टाइप के लिए नहीं, अगर आपके पास लेयर, मान लीजिए अभी केवल कौन सी लेयर है आपके पास, जीरो, आपने एक और लेयर ऐड कर लिया, एक और लेयर ऐड किया, क्लोज कर दिया, दो एक्स्ट्रा लेयर्स है, बट इन दोनों एक्स्ट्रा लेयर को आपने यूज तो किया नहीं है, आपने तो केवल जीरो लेयर को यूज किया है। तो इन दोनों एक्स्ट्रा लेयर्स को यूज कैसे, मतलब इनको हम हटाएंगे कैसे, और साथ ही साथ इनको हम कैसे हटाएंगे, चलिए इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है PU, PU मतलब पर्ज कमांड की शॉर्टकट की है, इस पर क्लिक करके इंटर करना है दोस्तों। और इंटर करने के बाद यहाँ देखिए लाइन टाइप्स, ढेर सारे लाइन टाइप्स, फर्स्ट पर्ज ये लिया, पर्ज। अब बोलोगे सर इससे कितने बार पर्ज करेंगे, हाँ यार इसको एक साथ अगर करना, अगर तुमको इसमें इस कोई पर्टिकुलर डिलीट करना है तो ऐसे ही डिलीट करना पड़ेगा। लेयर्स पे जाओ और लेयर्स पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे आपके पास दो एक्स्ट्रा है, पर्टिकुलर करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सबको पर्ज करना चाहते हो, मीन्स जो भी अनवॉन्टेड फाइल है सबको रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ पे कर देना पर्ज ऑल। दोस्तों केवल लाइन टाइप और लेयर के लिए नहीं है ये ब्लॉक के लिए भी हो सकता है, डायमेंशन स्टाइल के लिए भी हो सकता है, मटेरियल, मल्टी लाइन, मल्टी लीडर, ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपके पास है तो सबको यहाँ पे पर्ज कर दीजिए, और पर्ज ऑल आइटम्स कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी फाइल की साइज छोटी हो जाएगी, और देखेंगे जितने भी एक्स्ट्रा लाइन टाइप थे सब डिलीट हो गए, एक्स्ट्रा लेयर सब डिलीट हो गए। तो ये रहा आपका पर्ज कमांड का यूज, बहुत ही बेहतरीन है अगर आप अच्छे से समझेंगे तो। दोस्तों ऐसे ही एक कमांड होती है ओवरकिल, उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक लाइन टाइप है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ऐसे है, फिर इसके ऊपर एक लाइन खींच दिया, फिर इसके ऊपर लाइन खींच दिया, ये कर दिया, ये खींच दिया और ये खींच दिया। अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्लान बनाओ तो उस पर बार बार डबल लाइंस हो जाती है, बट इंजीनियरिंग ड्राइंग कहता है कि अगर किसी लाइन के ऊपर डबल लाइन है तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग लॉ वो गलत माना जाएगा, वो ड्राइंग गलत मानी जाएगी। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स या जो भी डबल लाइन्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। उनको रिमूव करने के लिए, और साथ ही साथ उसका फाइल भी बड़ा हो रहा है, बट मेन रीजन होता है कि आपके एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको लिखना है ओ बी, ओ बी लिखना है, ओ बी मतलब ओवरकिल होता है, प्रेस क्लिक करना है, उसके बाद सबको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद इंटर करके क्या डिलीट करना है, हमने क्या लाइन टाइप, लाइन स्टाइल, लाइन वेट, अगर आपको थिकनेस कम करना है या कॉलर हटाना है, सब कुछ भी हटाना है, क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए इसको लिया, अब इसको अगर आप मूव करके देखेंगे तो केवल एक, राइट। तो आप इस तरीके से
इससे अनवांटेड फाइल के साथ ही साथ एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो भी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। तो ये था यूज ऑफ ओवरकिल एंड पर्ज। आपको याद रखना है इन दोनों में डिफरेंस। पर्ज में क्या है, कोई भी अनवांटेड फाइल रिमूव कर सकते हो। ओवरकिल का यूज कहाँ पे होता है, अगर आपके पास एक लाइन बनी हुई है उसके ऊपर दूसरी लाइन बनी है उसको रिमूव करना है डबल लाइन को, तो आप और के लिए यूज करोगे। ये दोनों लाइन कमांड्स को आप डिफरेंस याद करके रखना। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो यार, नीचे कमेंट करो और साथ ही साथ क्वेश्चन जरूर पूछो। क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे लगता है चलो अच्छा अभी ये नेक्स्ट टॉपिक हमको ये लेना है, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है। तो क्वेश्चन पूछो साथ ही साथ, आप बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा इस तरीके का। और आप वीडियो चाहते हो क्या कि किसी सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, मैं उन पे सेपरेट वीडियो बनाऊं जैसे आज का वीडियो था। अगर हाँ तो भी नीचे कमेंट करो, साथ ही साथ कई लोगों सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए यार बहुत बहुत थैंक यू। आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना ही डेली कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस लेके आता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।